नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट अभिषेक सागर। मैं हूं यहां पर भारत के गांव में, नॉर्थ इंडिया के गांव कुछ ऐसे दिखते हैं टिपिकल, जैसे कि आप पीछे अभी देख पा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी की कुछ नई चीजें लेकर आया हूं, कुछ नई चीजों के ऊपर बात करूंगा। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल जगह पर खड़े होकर बना रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आईफोन के बारे में, आईफोन की हीरो पॉलिसी के बारे में। अभी खुलासा हुआ है, तो खुलासा ये हुआ है कि एक बहुत बड़े मूवी डायरेक्टर ने ये बताया है कि जो भी आईफोन आप मूवीज में देखते हैं उसको लेकर आईफोन और एप्पल कंपनी बहुत ज्यादा कंसर्न रहती है कि किस कैरेक्टर के हाथ में आईफोन नजर आएगा। क्योंकि मूवीज में जब फोन नजर आते हैं तो नॉर्मली क्या होता है टीवी सीरियल्स में भी कि उसके ब्रांड को हाइड कर देते हैं, बट आईफोन ऐसा नहीं करता। और आप देखेंगे कि किसी भी मूवी या किसी भी टीवी सीरियल में जो हीरो होता है उसी के हाथ में आपको आईफोन ब्रांड का फोन, जो एप्पल फोन है, एप्पल आईफोन है, वही नजर आता है। तो वो लोग इस चीज को मेक श्योर करते हैं दैट जो हीरो है वही एप्पल आईफोन को इस्तेमाल करे। सो ऐसा बोलते हैं कि एप्पल आईफोन्स हीरो के लिए होते हैं, हीरोज के लिए होते हैं। लेकिन से ये प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कोई मूवी में आप जानते नहीं हो कि कौन विलन है तो इस चीज से आप पता लगा सकते हो, जिससे मूवी की जितनी भी स्टोरी है वो स्पॉइल हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान जो अच्छा बन रहा हो वो बाद में जाके बुरा बन जाए, तो पहले से ही पता रहेगा कि कौन सा विलन है, कौन सा हीरो है। तो ये काफी खराब होने वाली है, जो कि मूवीज के मजे को खराब कर देगी। 2012 से ये चीज नोटिस में आई है लोगों की और लोगों ने ध्यान दिया है कि इस तरह की चीजें हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी हीरो होंगे ना किसी भी मूवीज वगैरह में वही आईफोन लेते हुए आपको नजर आएंगे। दूसरी चीज के बारे में बात करता हूं मैं, ये है फेक न्यूज जो चल रही है। आप जानते होंगे दिल्ली की जितनी भी हालत है बहुत ज्यादा खराब है, और दिल्ली में क्या हो रहा है कि दंगे वगैरह चल रहे हैं और लोग फेक न्यूज इधर उधर फैला रहे हैं, मतलब नफरत इधर उधर फैला रहे हैं जो कि फैलानी नहीं चाहिए। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ऐसी कोई भी चीज आपके व्हाट्सएप पर आती है जिसका सीधा संबंध या इनडायरेक्टली उसका संबंध अगर किसी दंगों से है, ऐसी चीजों से है जो कि दो समुदाय के लोगों में लड़ाई करवाएं या ऐसा कुछ भी करें, तो ऐसी चीजों को आप प्लीज शेयर ना करें। बल्कि ऐसी चीजों से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। धार्मिक मुद्दों पर या किसी के सामुदायिक मुद्दों पर ऐसी कोई भी चीज शेयर नहीं करनी चाहिए आपको, जिससे दंगे भड़क सकते हैं, दो अलग कम्युनिटी के में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे दूर रहना है आपको। अब मैं बात करने वाला हूँ, एक सर्वे हुआ है, ओकला ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें कि जो ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत आता है 44 Mbps की स्पीड के साथ, एवरेज स्पीड के साथ ये बहुत ही 66 नंबर पर आता है ये, जबकि निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, ये एक ब्रॉडबैंड कंपनी है जापान की, वो आती है बहुत टॉप स्पीड पर, उसने 10 Gbps तक की स्पीड दी है, और वो सिर्फ 4000 रुपये चार्ज करते हैं, लगभग 4400 रुपये ऐसे चार्ज करते हैं महीने के, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और भारत की स्पीड 66 नंबर पर है। और हमारे यहाँ Gbps की स्पीड पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं भी यहाँ पर जा पर हूँ, यहाँ जियो की स्पीड 2 या 3 Mbps की आती है, बहुत ही ख़राब स्पीड आती है। और एक और चीज़ टेक्नोलॉजी की बहुत ख़राब देखने को मिल रही है, मैं टेक्नोलॉजी की जो भी अपडेट्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फास्टैग के बारे में आप जानते होंगे, आप अपनी गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं, आपको टोल पे रुकना नहीं पड़ता, आप अपना वहीं से गाड़ी तुरंत पास हो जाती है आपकी, और आपके जो पैसे हैं वो कट जाते हैं फास्टैग से। ये टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत कई जगह पर एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, यानी कि होनी नहीं चाहिए। क्या होता है कि अरे गाड़ी थोड़ा पीछे करो, अरे गाड़ी थोड़ा आगे करो, अभी टैग एक्सेप्ट नहीं हुआ, इससे बढ़िया तो हम पैसे टोल देकर निकल जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी आ जाती है, इंप्लीमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, भारत में ये चीज़ें काफ़ी फेस करनी पड़ती है। 5G के बारे में काफ़ी हल्ला मच रहा है, 5G के बारे में ऑलरेडी बहुत चीज़ें बता चुका हूँ, है ना, 5G के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और अभी हमें भारत में बहुत सारी नई चीज़ें टेक्नोलॉजी के उस पर मिलने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप आए, जिन्होंने अलग अलग लोगों के बारे में बात की है, उनका प्रोनंसिएशन का काफ़ी मजाक उड़ रहा है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी जो हैं, जो भगवान माने जाते हैं क्रिकेट के, उनको शूचिन तेंदुलकर बोला है उन्होंने, और बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें बोली है। तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इधर आए हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी वॉर के सिलसिले में, जो वॉर होती है, जो लड़ाई होती है, मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उनमें जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जो मिसाइल होती है, वो सारी मिलेंगी फास्ट। ये सारी मैंने बता दिया आपको टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैंने क्या, इनके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने क्या सोचा यार, इनका ना मिश्रण बना देते और एक कुछ फील ले रहे गाँव का और टेक्नोलॉजी का भी फील आपको दे दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज, जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे, आपको एक हैकर बना देंगे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को तो प्रेस करना ही है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।